हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद ओएसपी में आपका स्वागत है। आज हम यहां पर नोएडा विधानसभा के जो इलेक्शन है यहां बिल्ला बोंग स्कूल के बाहर हम खड़े हैं, और जैसा हम देख रहे हैं कि जो है सवेरे से ही यहां पर लोग जो है वो वोट डालने के लिए बड़े उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं। यहाँ नोएडा विधानसभा में जो है वो कुल जो है वो 7 लाख मतदाता हैं, उनमें से 3.25 लाख जो है महिलाएं हैं, और मुख्य जो है वो चुनाव जो है वो 3 पार्टियों के बीच में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा जो है वो समाजवादी पार्टी। मुख्य मुकाबला जो है इन्हीं में है, और काफ़ी जो है लोग यहां पर जो है उत्साह से जो है वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी का भी यहां पर जो है अच्छा इंतजाम जो है यहां पर कर रखा है। तो देखते हैं आगे, दूसरे पोलिंग बूथ पे चलते हैं। और यह टीवी एंकर लोगों से मतदान के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने किन मुद्दों पे जो है वो मतदान दिया और क्या आपकी समस्याएं हैं, ये पूछ रहे हैं लोगों को। कल ऐसे आप भी वोट डालने के लिए आई हुए आप आइए आता है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं वोट डालने के लिए, और 3.25 लाख के करीब मतदाता महिलाएं हैं। बात करते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं वोट डालने के लिए, क्या समस्या है। आप क्या सोचते हैं वोट डालने के लिए, महिलाओं के लिए क्या समस्या है। क्या समस्या है महिलाओं के लिए, खास तौर पर बात करें सोशल मीडिया में डाल दीजिए आप इनकी कोशिश होगी। इन्होंने आप अभी वोट डाल के आए हैं जी सर, तो किन मुद्दों पे आपने अपना वोट कास्ट किया। नहीं, मैंने विकास के मुद्दे पे वोट डाला है, विकास का काम अच्छा हो रहा है और पहले भी हुआ है से 3-4 साल में, और अभी भी विकास का कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने विकास के मुद्दे पर वोट डाला है। थैंक यू। और ये अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये वोटर स्लिप इत्यादि देने के लिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।